सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 32 कोरोना के खतरे के बीच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच 20 अप्रैल 2022 वेडनेसडे को। अब यह मुकाबला मुंबई के बराबोर्ने क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से यह मैच स्टार्ट होने वाला है। जहां एक तरफ पंजाब किंग्स की टीम है, जो अपना पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 7 विकेट के बड़े अंतर से हार कर आ रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो अपना पिछला मैच आरसीबी के खिलाफ 16 रन के अंतर से हार कर आ रही है। यानी कि दोनों टीम अपने पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, इस मैच में जीतना चाहेंगी। जहां ये दोनों टीम फिलहाल अंक तालिका में एक खराब स्थिति में मौजूद है, जहां पंजाब किंग्स की टीम 7वें स्थान पर मौजूद है तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8वें स्थान पर मौजूद है। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक टोटल 28 IPL मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां इन 28 मैचों में से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 13 मैचों में जीत मिली है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम को 15 मैचों में जीत मिली है। तो यहां पर पड़ा थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में पंजाब किंग्स का भारी दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स का सबसे हाईएस्ट स्कोर 231 रन है और सबसे लोवेस्ट 67 रन है पंजाब किंग्स के खिलाफ, जबकि पंजाब का सबसे हाईएस्ट स्कोर 202 रन है और सबसे लोवेस्ट स्कोर 104 रन है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच पिछले साल यानी कि साल 2021 के आईपीएल में भी 2 मुकाबले खेले गए थे और उस सीजन कैपिटल्स की टीम ने दोनों ही मुकाबलों में पंजाब किंग्स की टीम को एक तरफा हराया था। अब इस मुकाबले को लेकर कई सारी अहम अपडेट्स आ रही है, जहां बिग ब्रेकिंग यह है कि यह मुकाबला शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक खिलाड़ी है, वो है ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त ऑलराउंडर मिचेल मार्श, ये कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 4 और लोग हैं वो स्टाफ है दिल्ली कैपिटल्स के। तो मिचेल मार्श यह मुकाबला नहीं खेलेंगे, वो इस मुकाबले के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी बचे सभी खिलाड़ी उपलब्ध हैं और अवेलेबल हैं इस मुकाबले के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बाकी बचे सभी खिलाड़ी कोविड नेगेटिव निकल कर आए थे। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स के खेमे से अपडेट्स ये है कि जहां पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के युवा कप्तान मयंक अग्रवाल नहीं खेले थे पैर के अंगूठे में चोट लगने की वजह से, लेकिन अब इस मुकाबले के सिलेक्शन के लिए वो अवेलेबल हो चुके हैं, उपलब्ध हो चुके हैं, यानी कि वो फिट हो चुके हैं। जहां मयंक अग्रवाल प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दिया ये मुकाबला शुरू होने से पहले। अब इस वीडियो में आगे आपको बताने वाले इस मुकाबले के लिए क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, किन किन बदलाव के साथ दोनों टीम मैदान पर उतरने वाली है और क्या होगी दोनों टीमों की रणनीति, जबकि इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, वेदर कंडीशन सब कुछ आपको बताने वाले हैं, जबकि रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, कि जीतेगी दिल्ली की टीम या फिर पंजाब किंग्स की टीम, यह मैच अपने नाम करेगी। वहीं वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बताने जाने हैं कि ऐसे ऐप के बारे में, ट्रस्ट मी इससे इजी ऐप आज तक मैंने नहीं देखा है। ऐप का नाम गेम्सी है, जहां आप फैंटेसी क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स खेलकर अपने पैसे 5 मिनट के अंदर अपने UPI या फिर पेटीएम में विड्रॉ करवा सकते हैं। क्यों ढूंढते हो टूर्नामेंट जब गेम्सी में होते हैं हर रोज, नहीं है कोई वेटिंग पीरियड, जब चाहो अपोनेंट्स हैं तैयार, ज्वाइन करो और खेलो फटाफट और कैसे जीतो अपार। जब देश की जनता करती है इन पे भरोसा तो क्यों ना करें गेम्सी पे भरोसा। फैंटेसी क्रिकेट की एंट्री फी है इतनी सस्ती कि खेले बिना रहा ना जाए। सोचना है क्या, जब साइन अप पे मिलते हैं 15,250 रुपए और 300 रुपए या फिर 100 रुपए की डिपॉजिट पर। वेट किस बात का है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक करो और बोनस पाओ वो भी तुरंत। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो बात करते हैं सबसे पहले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुकाबला पहले पुणे के MCS स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से वेन्यू चेंज कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम मुंबई में ही क्वारंटीन में थी और इसी वजह से यह मुकाबला पुणे से हटाकर मुंबई में ही शिफ्ट कर दिया गया है और अब यह मुकाबला मुंबई के बराबोर्ने क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 में टोटल अब तक 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 8 मैचों में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 मैचों में शानदार जीत मिली है, जबकि दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी 4 मैचों में ही जीत मिली है, यानी कि चेस करने वाली टीम को भी 4 मुकाबलों में जीत मिली है। जहां इस मैदान पर अब तक आईपीएल 2022 में सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा स्कोर रहा है 217 रन, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पिछले ही मुकाबले में बनाया था, जबकि इस मैदान का सबसे लोवेस्ट सबसे छोटा स्कोर रहा है 126 रन, क्योंकि CSK की टीम ने स्कोर किया था। अब इस मैदान का पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम का जो एवरेज स्कोर है, औसत स्कोर है, वो है 185 रन। अब अगर हम दोनों टीमों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन दोनों टीमों के बीच पिछले जो
10 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं आपस में। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पिछले 10 मैचों में से 5 मैचों में जीत मिली है, तो ही पंजाब किंग्स की टीम को भी पिछले 10 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत मिली है। तो यहाँ पर दोनों टीमों का प्रदर्शन पिछले 10 मुकाबलों में लगभग बराबर रहा है। अब अगर हम बात करें दोनों टीमों के बारे में, तो एक तरफ पंजाब किंग्स की टीम है जो अब तक आईपीएल 2022 में टोटल 6 मुकाबले खेल चुकी है और ये टीम अपने 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीत चुकी है और 3 मैचों में इस टीम को हार मिली है। इस टीम के टोटल 6 अंक हैं और ये टीम फिलहाल अंक तालिका में 7वें स्थान पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो 5 मुकाबले अब तक आईपीएल 2022 में खेल चुकी है, जिन 5 मैचों में से 2 मैचों में इस टीम को जीत मिली है और 3 मैचों में हार मिली है और इस टीम के पास टोटल 4 ही अंक हैं और ये टीम फिलहाल अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। तो बिना देरी के वजह बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और मैच विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में वीडियो की ओर। तो आईपीएल 2022 का मैच नंबर 32 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा 20 अप्रैल 2022 वेडनेसडे को मुंबई के ब्राबोर्ने क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से। तो बात करते हैं सबसे पहले पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो एज ओपनर नंबर 1 पर एक्सपीरियंस ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और नंबर 2 पर मयंक अग्रवाल कप्तान, नंबर 3 पर चोनी बेरिस्टो, नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टोन शानदार जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज जो पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी भी करा लेते हैं। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर जितेश शर्मा जबकि नंबर 6 पर शाहरुख खान युवा हार्ड हिटर बैट्समैन, नंबर 7 पर ओडियन स्मिथ जबकि नंबर 8 पर कगिसुर बादा साउथ अफ्रीका के जबरदस्त फास्ट बॉलर और नंबर 9 पर राहुल चेर बेहतरीन युवा स्पिनर जबकि नंबर 10 पर वैभव अरोरा और उसके बाद नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह युवा तेज गेंदबाज। तो ये रही पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। अब चलिए बात करते हैं इस मैच के लिए दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो ऐसा ओपनर नंबर 1 पर पृथ्वी शाह युवा ओपनर बल्लेबाज जो शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और नंबर 2 पर डेविड वार्नर जो पिछले मुकाबले में काफी शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इन्होंने की थी। तो दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से करने वाले हैं पारी की शुरुआत। नंबर 3 पर बड़ी चेंजेस देखने को मिलने वाली है। अब चूंकि मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे यह मुकाबला, तो उनकी जगह पर इस मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड के जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज टिम साइफर्ट को खिलाया जा सकता है या फिर उनकी जगह पर सरफराज अहमद को खिलाया जाएगा इस मुकाबले में। तीन दो में से कोई एक खेलेगा। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर ऋषभ पंत युवा विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान जबकि नंबर 5 पर रोबिन पावेल हार्ड हिटर बैट्समैन, नंबर 6 पर ललित यादव ऑलराउंडर, नंबर 7 पर अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर, तो इसके बाद नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर जबकि नंबर 9 पर कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर जो शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं जबकि नंबर 10 पर मुस्तफिजुर रहमान, नंबर 11 पर खलील अहमद युवा तेज गेंदबाज। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। जाएं दोनों टीमों की वैसे तो संभावित प्लेइंग 11 है लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 दोनों टीमों की इस मुकाबले में उतरने वाली है। अब अगर हम बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो यहां पर फिलहाल दोनों टीमों को देखें तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है हेड टू हेड रिकॉर्ड में। हालिया प्रदर्शन में भी पंजाब किंग्स की टीम थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है दिल्ली कैपिटल्स से और इस मुकाबले को लेकर हमारी प्रेडिक्शन यह है कि यह मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम जीत सकती है। हालांकि यह बात भी सच है कि जो टीम इस मुकाबले में टॉस जीतेगी कन्फर्म है कि वो चेस करना ही चाहेगी, यानी कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेगी और जो टीम चेस करेगी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उस टीम के जीतने के चांसेस वहीं से बढ़ जाते हैं और वो टीम मुकाबला जीत सकती है। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।